नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 8 वसंत भाग 3 के पाठ नंबर 11, जिसका नाम है सूरदास के पद। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए। पदों से प्रथम प्रश्न, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? तो उत्तर है, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी, अर्थात जो श्री कृष्ण थे उनकी चोटी छोटी सी थी और बलराम जी की चोटी बहुत बड़ी थी। तो कृष्ण जी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि उनकी चोटी बड़ी हो जाए, इस मोह में वो दूध पिया करते थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे, इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हो जाते थे। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण अपनी चोटी की विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी की विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन सी लहराएगी, जैसे कि जब बाल होते हैं और वो जब गीले होते हैं तो नागिन की तरह लहराते हैं ना बाल, उसी प्रकार से लहराएगी। तीसरा प्रश्न, दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन रोटी को अधिक पसंद करते थे, यानी कि रोटी माखन से खाने को वो ज़्यादा पसंद किया करते थे। चौथा प्रश्न, तू ही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन सा भाव मुखरित हो रहा है? तो उसका उत्तर होगा, तू ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन का मन है यशोदा के लिए, कृष्ण जैसा पूत पाने का ईर्ष्या की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, यानी कि ईर्ष्या की भावना है कि तुमने ही कोई ऐसा पूत अनोखा जना है कि जो बार बार हमारा जो है माखन चुराने आ जाता है। तो क्रोध की भावना भी है इसमें, इसलिए वह यशोदा माता को उल्हाना दे रही हैं। पांचवा प्रश्न, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छीको यानी कि जो घड़ा होता है इसे चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था, तथा चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते थे व आधे अपने सखाओं को यानी दोस्तों को खिलाते थे, जिसके कारण माखन जगह जगह पर जमीन पर गिर जाया करता था। छठवां प्रश्न, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लग रहा है और क्यों? दोनों पदों में से प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने की आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन यानी कि लोभ दिया कि कान्हा तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, यानी कि डेली कच्चा दूध पिया कर, जिससे तेरी चोटी दाऊ यानी बलराम जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध ना पीने का हट करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हट करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। अब देखेंगे अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या होगी। तो दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल रही होगी, तभी उनकी छोटी छोटी हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता है। ये दो क्वेश्चन जो आपको स्वयं करने हैं, जिसमें बोला गया है कि ऐसा हुआ हो कभी कि आपकी माँ ने मना करने पर भी आपके घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुपके चुपके थोड़ा बहुत खा लिया हो, और चोरी पकड़े जाने पर कोई बहाना भी बनाया गया हो आपके द्वारा। आप अपनी आपबीती की तुलना श्री कृष्ण के बाल लीला से कीजिए। तो ये तो हम स्वयं कर सकते हैं। किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक माता पिता ने, बड़े भाई ने, भाई बहन ने इत्यादि ने आपसे उसका उत्तर मांगा हो यानी शिकायत की हो, और फिर आपके अभिभावक ने पूछा हो भाई ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा हुआ हो तो आप लिखिएगा।
अब हम देखेंगे भाषा की बात। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द है माखन चोर। आगे, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गोविंद है पर्यायवाची, यानी जो सेम वर्ड का सेंस निकाले। रणछोड़ भी है, वासुदेव भी है, मुरलीधर भी है, नंदलाल भी है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कुछ शब्द परस्पर मिलने जुलने अर्थ वाले होते हैं, यानी कि एक जैसे अर्थ वाले होते हैं, जिन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ विपरीत अर्थ देने वाले भी होते हैं, समानार्थी शब्द अथवा पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं, और विपरीतार्थ शब्द विलोम शब्द कहे जाते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर उदाहरण दे रखा है। तो इस पाठ में से खोज कर हमें लिखने हैं ऐसे शब्द, तो चलिए लिखते हैं। पर्यायवाची शब्द हमारे बेनी को बोलते हैं चोटी, मैया को जननी माँ या माता बोलते हैं, दूध को दुग्ध पय या गौरस बोलते हैं, काढ़त को गुहत बोलते हैं, बलराम को दाऊ या हलधर के नाम से भी जाना जाता है, ठोटा को सुत पुत्र या बेटा कहते हैं। उसी प्रकार से विपरीतार्थ शब्द होते हैं, लंबी का उल्टा छोटी होती है, शाम का श्वेत होती है, संग्रह का विग्रह होती है, विज्ञ का अज्ञ होती है, रात का दिन होती है, प्रकट का ओझल होती है। इसी के तहत ये पूरा पाठ हमारा कंप्लीट होता है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं।